हेलो एवरीवन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन एट अपैक विद द सन क्लास सिक्स सप्लीमेंट्री बुक सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड लेट्स स्टार्ट नाउ सईदाज मदर हैज नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट्स जो सईदा की माँ थी उनको अपनी जो उनकी बीमारी थी उसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिला था सी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड सनसाइन एंड फ्रेश एयर और उन्हें जो हेल्दी फूड था या फिर धूप थी और फ्रेश एयर थी उससे भी मतलब वंचित कर दिया गया था वो उनको नहीं मिली थी एट लास्ट सी कंसर्ट्स अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर एफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस और लास्ट में उन्होंने अच्छे डॉक्टर की राय ली जिसने उन्हें बहुत अच्छी दवाइयाँ और सही सलाह भी दी सहीदाज मदर अ लॉन्ग टाइम फीवर ऑफ बॉडी पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट सहीदा की माँ काफी लंबे समय से बुखार खांसी शरीर के दर्द जोड़ों के दर्द और कई और भी रोगों से पीड़ित थी ट्रीटेड बाय अ वेरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स कई सप्ताह से अलग अलग तरीके के जो फिजिशियंस थे उनके द्वारा उनका इलाज किया गया सी ऑफन सोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिप्ले रिलेप्स इन टू हर ओल्ड वन कम्पलेंट सब्सिट्यूटेड बाई अनादर लेकिन उनमें कोई भी सुधार नहीं दिख रहा था लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर बदल जाती थे और फिर वो दोबारा से बीमार हो जाती थी दो वीक एंड कलरलेस सी वॉज फॉरविड एन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन परप एक्चुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम विद डोर्स एंड विंडोज फास्ट एंड डिप्राइव ऑफ सनसाइन एंड फ्रेश एयर कई बार एक परेशानी की जगह दूसरी परेशानी हो जाती थी उनको और वो कमज़ोर मतलब कलरलेस भी हो गई थी फिर भी उन्हें मतलब जो नॉर्मल फूड था वो ही दिया जाता था और उनको बहुत सारा परहेज बताया जाता था और उन्हें एक जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर था वो भी दिया गया कि उनको एक छोटे से अंधेरे कमरे के अंदर ही रहना है दरवाजे खिड़की बंद करके धूप और ताजी हवा से भी बचे रहना है उनको धूप नहीं लेनी है फ्रेश एयर भी नहीं लेनी है इस तरह से उनको बोल दिया गया था डॉक्टर्स के थ्रू वैन सी विकम क्रिटिकल हर रिलेटिव एंड नेवर्स परसिडेड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई और जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ती गई तो उसने उनके जो संबंधी थे या फिर पड़ोसी थे उन उन्होंने ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर किया प्रेसराइज किया उनको और सलाह भी दी कि वो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं चाहे उसकी फीस आ, हाई ही क्यों ना हो लाइफ इज मोर देन मनी दे सैड उन्होंने कहा कि जीवन बहुत ज़्यादा प्रीसीियस है मूल्यवान है पैसों की अपेक्षा Mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. सईदा की माँ गरीब थी लेकिन उसने उनके जो भी उपदेश थे उनके ऊपर गौर भी किया जो लोगों ने उनसे बोला ध्यान भी दिया और डॉक्टरों की फीस देने दवाइयों की जो भी कीमत थी उनके लिए कुछ जेबर भी उन्होंने बेच दिए कि अब ये किया जाएगा एडवाइज फ्यू ट्रिंकेट्स उन्होंने कुछ जेवर अपने बेक दिए थे द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन हर एंड प्रेस्क्राइब्ड एफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन कुछ दिनों में डॉक्टर आया और उसने उनका एग्जामिन किया और फिर बहुत अच्छी लेकिन कीमती दवाइयाँ उनके लिए दी गई टू द क्वेश्चन एज टू वॉट शुड

और उसने जोर देकर कहा कि इन सबसे ज़्यादा है कि उन्हें इस अंधेरे कमरे से बाहर निकाला जाए और बड़े कमरे में और दरवाजे खिड़कियों को खोल कर रखा जाए सिट द सन एवरी मॉर्निंग और क्या किया जाए कि उनको हर सुबह मतलब सूरज में बिठाया जाए और दरवाजे खिड़कियाँ तो खोल ही जाए और हर सुबह कि मतलब द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम एट टू नाइन और आठ से नौ बजे तक उनको धूप में बैठा कर रखो सनसाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन और उन्होंने इस चीज़ का भी निष्कर्ष निकालते हुए बोला कि धूप और जो ताजी हवा है वो दवाइयों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेडिसिन इतना इफेक्ट नहीं करेगी जितना कि ये फ्रेश एयर वगैरह करेगी द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री एमंग ऑल प्रेजेंट अब सभी जो भी वहाँ पे प्रजेंट थे लोग उनके बीच में डॉक्टर और उनकी जो सलाह थी बहुत ज़्यादा मतलब इस विषय पर एक तरह से चर्चाएं होने लगी सम फेवर्ड वाई अदर्स इट कुछ लोग तो इस चीज़ का पक्ष ले रहे थे और कुछ उसका विरोध कर रहे थे एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम वन अफ्लिक्टेड विद क्रॉनिक कफ वॉज डेंजरस एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर एक जो अनुभवी बहुत ज्यादा लेडी थी उसने डिक्लेयर किया कि जो पुरानी खांसी से पीड़ित है उनको पुरानी खांसी है ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके लिए धूप सेकना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है अंगर नेवर नियरली क्वेरल्ड विद हर ओवर दिस और इस बात पर एक यंगर जो उनका नेवर था पड़ोसी था वो उनके साथ मतलब झगड़ा करने लगा कि ऐसा नहीं है क्वेरल करने लगा टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट

मतलब इस परिणाम पर पहुंची वो कि आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर कि मैं डॉक्टर की सलाह का पालन करूंगी एंड मूव माई बैड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली और जो मेरा बेड है वो अगले कमरे में डाल दूंगी मैं अपनी जो चारपाई है मेरी और मुझे हर दिन एक घंटा धूप में चारपाई के ऊपर बैठना है मैं डेली क्या करूंगी अपनी धूप में चारपाई के ऊपर बैठूंगी द द स्काई ओवरकास्ट विद क्लाउड्स फॉर अ अ फ्यू डेज मेक स्पेशल रिक्वेस्ट टू टू हेल्प हर मदर गेट वेल द सनरेज कीप देयर वर्ल्ड कम डाउन इन लार्ज नंबर एंड गिव न्यू लाइफ टू सईदास मदर अब कुछ दिन तक जो आकाश था उधर बादल छाए रहे सईदा ने सूरज की किरणों से अपनी माँ की सहायता के लिए बहुत ज्यादा प्रेवी की सूरज की किरणें अपना वचन निभाती हैं और बहुत ज्यादा संख्या में आकर सईदा की माँ को नया जीवन देती हैं इट्स सो हैपन दैट द स्का ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ ऐसी घटना घटी कि अगली सुबह आकाश जो बादल थे उनसे ढका रहा द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे और अगले दिन भी वही हाल रहा सईदा सईदा मदर वॉज डिजेक्टेड सी मटर्ड अब जो शहीदा की माँ थी वो बहुत ज्यादा निराश हो गई वो बड़बड़ाती हुई बोली ओ लॉर्ड ओ माइंड वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन है मेरे भगवान तुमने सूरज को छुपे रहने का आदेश क्यों दे दिया है हाव विल आई एवर वी क्योर्ड ऐसे में मैं कैसे ठीक हो सकूँगी शहीदा वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर वाय एंड सी हेर हर मदर्स Lament, but kept calm. Uh, थोड़ी दूर पर अपनी जो डॉल थी उसकी, उसके साथ खेल रही थी और उसने अपनी माँ की एक अजीब सी मतलब आवाज सुनी लेकिन वो बहुत शांत रही द इन द आफ्टरनून वैन सी स्टम्बर्ड ऑन स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कॉर्टयार्ड द सी रेन टू हर मदर टू से बाद में दोपहर बाद जब उसने आंगन में पीले रंग की धूप वाला वोली जगह देखी तो वो ये कहने के लिए अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई कि सूरज निकल आया है नो नो एंड चिली सभी वहां पर जो भी इकट्ठे थे लोग उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी काफी देर हो चुकी है और चिलचिलाती हुई सर्दी है योर मदर कांट सिट आउट देयर तुम्हारी माँ अब यहाँ नहीं बैठ सकती दिस सईदा रिटर्न टू तो हर डॉल अब मतलब वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है होकर सईदा अपनी गुड़िया के पास चली गई देर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रिमेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री और फिर क्या हुआ कि कोई मतलब गुड़िया के अपने गुड़िया को लेकर अपने वहाँ चली गई थी वो वहाँ पर धूप को देखकर लेकिन वहाँ कोई भी धूप नहीं थी सिवाय लास्ट जो किरणें थी ना सूरज की वो घर के आम के पेड़ की सबसे ऊंची जो ब्रांच थी उस पर थी उस पर पड़ रही थी फैमिली ट्री पर नाउ चिल्ड्रन हैव एट दियर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरन टू ग्रो ऑल टूगेदर इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज फ्लावर्स एनिमल्स सन एंड द मून पर द ऑल माइटी बच्चों का एक जो कमांड होती है सीक्रेट लैंग्वेज वाली गुप्त जो उनकी भाषा होती है उस पर उनका अधिकार होता है जिससे जो बड़े लोग हैं वो भी मतलब अनजान होते हैं जो ग्रोन अप्स होते हैं वो भी अनजान होते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं और जिसके माध्यम से वो पेड़ों से फूलों से पशु सूरज चंद्रमा और, और भी सभी चीज़ों से Uh, के साथ मतलब बातचीत कर सकते हैं उनके अंदर अपनी ही एक स्ट्रेंथ होती है इस चीज की यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग सन और उसी विशेष भाषा का प्रयोग करके सईदा ने सूरज की विदाई लेती हुई अंतिम किरण को संबोधित करते हुए कहा डियस्ट सिस्टर प्रिय बहन टू कम टूमोरो विद लॉट्स ऑफ ब्राइटनेस कि कल काफी गर्मी और रोशनी लेकर यहाँ आना होगा तुम्हें यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प देखो मेरी माँ बीमार है और उन्हें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है श्योरली आंसर द लाइट डोंट लुक अनहैप्पी एट द फिक्स आवर और जो किरण थी उसने जवाब भी दिया उदास दिखाई मत दो हम ठीक समय पर यहाँ आ जाएंगे नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग द वेंद्राइट स्प्रिंगली सनरेजेस फॉर दियर जर्नी डाउन टू अर्थ द इट्स डे ऑफ दगेन और अगले दिन जो अर्ली इन द मॉर्निंग क्या हुआ द इस्प्राइटली सनरेजेज जब बहुत ज़्यादा सूरज की जो किरणें थी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी खुश होकर नीचे जमीन पर आने के लिए स्वयं so, को तैयार कर रही थी तब सूरज ने कहा जो सूरज थे तो सनसेट सन ने बोला कि इट्स अवर डे ऑफ अगेन आज फिर हमारा मतलब हमारी छुट्टी रहेगी हम नहीं जाएंगे वी आर स्टेइंग अप फेयर हमें यहीं ठहरे हुए रहना है द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक बाय एन आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स की जो पृथ्वी है पृथ्वी तक पहुंचने का जो हमारा रास्ता है वो घने काले बादलों की सेना ने घेर रखा है उनसे घिरा हुआ है द लिटिल रे सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन क्वाइट छोटी-छोटी केने मतलब जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी कि हमें जाना है लेकिन शांत रह जाती है एकदम से शांत रह गई वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद उनमें से एक जिसने सहिदा के साथ समझौता कर लिया था कहा था लिटिल सईदा से कि लिटिल सईदा सैड सर आई कांट स्टे बैक क्या कहा था कि मैं मतलब यहाँ पे लिटिल सईदा आई कांट स्टे बैक आई हैव गिवन माई बर्थ टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प आई विल पियर्स थ्रो द क्लाउड्स टू रीच सईदास कोटियार्ड जो एक लिटिल रेस थी उसने कहा कि श्रीमान जो सूरज थे उनसे बोली कि मैं पीछे नहीं ठहर सकती हूँ क्योंकि मैंने सईदा को अपना वचन दिया है जिसकी माँ बहुत बीमार है और जिसे हमारी हेल्प की जरूरत है थ्रो द्लाउज टू रीच सईदास मैं सईदा के जो कोर्टयार्ड है वहां पर पहुंचने के लिए बादलों को चीर दूंगी बिल्कुल हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड और जिसे उसकी माँ का इलाज Uh, हो सके बात सुनकर सभी ने अपने पिता सूरज के विद्रोह कर दिया। बैक अगेन द सैड इन सिंगल बॉय और यदि हम यहाँ ठहरे रहेंगे तो संसार के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे वट वि पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट और जो लोग हैं जमीन पर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे और क्या-क्या कहने लगेंगे दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स कि जो स्वर्ग में रहने वाले हैं हेवंस में वो सब मतलब झूठे निकले इस तरह से बोलेंगे हमारे बारे में पृथ्वी के लोग द सन रिलेंटेड प्लीज योरसेल्फ ही सेड माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी और सूरज नरम पड़ गया खुश हो जाओ उसने कहा कि अपने कपड़ों का ध्यान रखो बादल बहुत ज्यादा गंदे हैं हमारे कपड़ों की चिंता मत करो उन्हें हम कभी भी बदल सकते हैं लेकिन हम जरूर जाएंगे एंड द रेज रस्ट टू वार्ड द अर्थ और जो किरणें थी वो पृथ्वी की तरफ दौड़ने लगी द लिटिल रेज फोकस दियर हीट एंड दे है पहरा दे रहे हैं छोटी किरणों ने अपनी गर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ाया और बादलों की जो टुकड़ी थी उसके लिए वो काफी थी इतनी ही जिन्हें द रेज गॉड थ्रू शूटिंग पास द क्लाउड देवर ऑलरेडी लेट जिन्हें अपने स्थान से उड़ना पड़ा जो बादल थे उनको अपनी जगह से जाना पड़ा घबराए हुए बादलों के बीच से बहुत तेज गति से किरणें निकल गई उन्होंने पहले ही काफी देर कर दी थी सो द होल होस्ट ऑफ दैम अप्रोचिंग एंड हर हर्ट लिप्ड विद जॉय सी साउटेड अम्मा अम्मा द सन इज हियर और सईदा ने किरणों के पूरे मतलब एक ग्रुप को देखा आते हुए देखा और उसका जो दिल था वो बहुत खुशी से उछल पड़ा और वो चिल्लाने लगी अम्मा अम्मा सूरज निकल आया है कम आउट द ओल्ड लेडी आईज द ओल्ड लेडी आईज विद अपर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड और जो बुढ़ी औरत थी उसकी आंखें एकदम से आंसुओं से छलकने लगी हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द एंड सेट ऑन इट फॉर एन आवर रिक्लाइनिंग अगेंस्ट और आंगन में उन्होंने अपनी चारपाई डाल दी चारपाई डाल दी गई उनकी और वो एक घंटे तक बड़े तकिए का सहारा लेकर चारपाई के ऊपर बैठी रही इट हैड बीन मंथ सिंस सी हैड द सन ऑन हर हैंड एंड फेस एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर सी थॉट सी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड कई महीनों से उन्होंने न तो अपने हाथों और चेहरे को धूप में सेका था और ना ही ताजा हवा में सांस ली थी उन्होंने सोचा कि वो नए संसार में पहुंच गई हैं दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आई सोन ब्राइट पीला होते हुए भी उनका चेहरा चमक उठा सी सो हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ट हर उसने अपनी बच्ची को भी धूप में नहाते हुए पाया और उन, उसको किस्ट किया द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू fragrance फ्रॉम nearby flowers. फ्लॉवर्स और सुबह जो हवा चल रही थी उनके नज़दीक के नजदीक वाले फूलों से एक नई सी स्मेल आ रही थी नियर बाय फ्लॉवर्स से फ्रेगरेंस भी आने लगी द बर्ड्स चेंटेड अ न्यू ट्यून सईदास मदर फेल्ट वेटर ऑलरेडी जो पक्षी थे वो नई धुन गाए उन्होंने नई धुन गानी शुरू कर दिया सईदा की मां ने पहले से भी कुछ ज़्यादा बेहतर अच्छा महसूस किया सी इज फुली रिकवर्ड नाउ अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर से एडवाइस लेकिन वो अभी भी डॉक्टर की जो एडवाइस है उसको मानती हैं एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग ऑफ फ्रेश एयर एवरी और हर एक दिन उनको एक घंटे तक धूप मतलब लेनी है और ताज़ा हवा से फेफड़ों को भी भरना है जो उनके लंग लंग्स हैं उनको भी फ्रेश एयर से भरना है तो ये स्टोरी है जाकिर हुसैन के थ्रू ट्रांसलेटेड फ्रॉम द उर्दू एंड स्लाइटली मॉडिफाइड सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन इन दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस वे लाइकन थैंक यू